हार्डकोर फैन अगर मैं कहूँ तो है क्रिकेट के आप? क्रिकेट के से ज्यादा धोनी का। तो कभी मुलाकात हुई है एमएस धोनी से? इतने बड़े फैन है आप तो उनके। I always wanted to meet, but कभी नहीं मिल पाया एमएस से आप? नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत। किदांबी, सबसे पहले तो आपका टाइम्स नाउ नव भारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या किदांबी, आपने सोच कर रखा था कि जो टोक्यो ओलंपिक्स की निराशा थी उसको इस बार जो चैंपियनशिप में उसको पूरी तरीके से मिटा देना है? ऐसा कुछ बात नहीं है, but it was more about you know, world championships is again a very big event. We all know that Olympics is very big, but in badminton world championships is also very big. So I always dreamt of winning a medal, and going into this tournament I only wanted to do well. I just thought I'll play my absolute best, and then thought I'll see what happens, and yeah, I'm very happy with the end result. तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जो आप अगला आंसर दे, क्योंकि मेरी आपसे जब पहली बात हो रही थी तो आपने कहा था कि थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी बोलूंगा। तो किदांबी, मेरा आपसे जो अगला सवाल है, पहले खिलाड़ी बने हैं आप जिसने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। हाँ, पर मुझे भी नहीं पता था कि मतलब ऐसा एक अचीवमेंट है। मेरे को भी बोला गया था मेरा सेमीफाइनल के मैच के बाद, एक रिपोर्टर ने बोला है मेरे को भी, तो उस समय तक मेरे को भी पता नहीं था कि ऐसा एक कुछ है। मतलब ऐसा एक फाइनल जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी तक कोई भी मेंस में इंडिया से कोई नहीं पहुंचा है, और मैं फर्स्ट मैन सिंगल्स प्लेयर हूँ। मुझे भी नहीं पता था, पर मैच के बाद मेरे को बोला गया, और या आई वाज वेरी हैप्पी, बट दैट इज नॉट व्हाट आई थिंक अबाउट। फॉर मी इट इज मोर अबाउट विनिंग मेडल्स। अच्छा किदांबी, मैं आपको एक बात बता दूं, आज देखिए आपके खेल के तो सब दीवाने हैं, आपकी हिंदी के भी सब आज फैन हो जाएंगे इस इंटरव्यू को देखने के बाद। ओके okay. तो हिंदी की भी क्लासेस लेते हैं? मतलब ये जो सबसे मिलते रहते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हिंदी अपने आप एकदम अच्छी होती है, क्योंकि पीवी सिंधु की हिंदी तो बहुत अच्छी है। क्लासेस तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। हमारे मतलब एकेडमी में जितने भी लोग हैं, नॉर्थ के बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते करते वैसे थोड़ा बहुत सीख गया बस। अच्छा, अब ये जो जीत मिली है, सिल्वर मेडल आप जीत कर आए चैंपियनशिप में, तो अभी क्या कुछ रेस्ट रहेगा या फिर हाँ प्रैक्टिस पे दोबारा लग जाएंगे या थोड़ा सा एंजॉय करने वाले हैं इस टाइम को? अभी आई थिंक फिलहाल 2-3 दिन तो रेस्ट लूंगा, क्योंकि मतलब लास्ट 3-3.5 months से कंटिन्यूअस टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट 9 या 10 टूर्नामेंट्स खेला हूँ, तो अभी थोड़ा 1-2-3 दिन तो रेस्ट लूंगा, और उससे ज्यादा भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जनवरी में इंडिया ओपन है जी, तो दिल्ली में होता है इंडिया ओपन सुपर सीरीज, तो उसके वजह से ज्यादा रेस्ट भी नहीं ले सकता हूँ। इसलिए शायद मे बी 2-3 दिन रेस्ट ले फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ। अच्छा किदांबी, थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो कोविड के समय ऐसा क्या हुआ था कि जो आपकी ट्रेनिंग इफेक्ट होगी, थोड़ा उस अगर जर्नी के बारे में बताएं, और आज जब आप मेडल जीत चुके हैं चैंपियनशिप बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, कि तब की निराशा और आज की जो सफलता, इसको इस थोड़ी जर्नी के बारे में बताएं। कोविड के टाइम पे तो जब मतलब 2020 में जब पहली बार कोविड हुआ था मार्च में, पूरा लॉकडाउन हुआ था पूरा देश में, और पिछले साल 2020 में तो पूरा एकेडमीज बंद थे, इतना मतलब ऑलमोस्ट सितंबर तक सब कुछ बंद थे, प्रैक्टिस करने का चांस नहीं मिला, पर उसके बाद थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, मे बी फरवरी मार्च ऑफ 2021 तक थोड़ा बहुत
प्रैक्टिस करने का चांस मिला है, पर उसके बाद फिर से लॉकडाउन हुआ है हैदराबाद में ऑलमोस्ट 4 या 5 वीक्स के लिए जी, जिसमें मतलब एकेडमीज भी बंद रहे, जितना मतलब इतना प्रैक्टिस करने का चांस नहीं मिला है, पर और उसके बाद जो टूर्नामेंट्स होना था मार्च के बाद से ऑलमोस्ट अप्रैल मई तक वो सारे टूर्नामेंट्स कैंसिल हो गए, ऑलमोस्ट 7 या 8 टूर्नामेंट्स कैंसिल हो गए। फिर उसके वजह से वो ओलंपिक्स का वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, पर उसके बाद से सब कुछ ठीक था एंड ऑल्सो आई वॉज एबल टू ट्रेन वेल एंड या ऑल्सो वॉज एबल टू प्ले मोर टूर्नामेंट्स। तो अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिजल्ट की वजह से और अभी और अच्छा लग रहा है। लेकिन किदांबी अगर मैं कहूँ वो जो अल्टीमेट एक गोल है, जो एक ड्रीम है, वो तो पेरिस ही होगा। वो पेरिस है, यस। तो अब यहाँ से पेरिस तक क्या आपको लगता है किन चीजों पर और काम करने की जरूरत है? क्योंकि मैं एक बयान पढ़ रहा था पुलेला गोपीचंद साहब का, जिन्होंने कहा है कि आपको कुछ अपनी गलतियों को कवर अप करना पड़ेगा, कम करना होगा। तो आपको पता है वो एरियाज जहां पर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं? देखो, द अल्टीमेट गोल विल डेफिनेटली बी 2024 ओलंपिक्स, बट अगेन देयर विल बी शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे कि अभी इंडिया ओपन है जनवरी में, उसके बाद मार्च में ऑल इंग्लैंड है, उसके बाद अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स है, फिर से तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स है 2022 में, और इसी तरह 2023 में भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स रहेंगे। तो the ultimate goal will always be 2024 Olympics, but they'll always be short-term goals. Goals like 2 months, 3 months, or 3 weeks, or 3 tournaments. Jaise short-term goals to rahenge. Aur ji, mere ko to matlab mere ko itna matlab bhaiya se milke baat karne ka itna time nahi mila hai, par main zarur bhaiya se baat karke bhaiya ka feedback leke मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, और या आई विल ट्राई एंड वर्क ऑन इट, गेट बेटर बिफोर आई स्टार्ट प्लेइंग टूर्नामेंट्स अगेन। अच्छा किदांबी, बैडमिंटन के अलावा भी कोई गेम है जिसको आप देखते हो, फॉलो करते हो, जो थोड़ा दिल से बहुत ज्यादा पसंद हो बैडमिंटन के अलावा? क्रिकेट और टेनिस। क्रिकेट देखते हैं आप? यस, मतलब एक हार्डकोर फैन अगर मैं कहूं तो हैं क्रिकेट के आप? क्रिकेट के से ज्यादा धोनी का। धोनी का? हाँ। ऐसा क्यों? मतलब क्रिकेट से बढ़कर धोनी के फैन? मतलब see, there were times when people watched cricket for Sachin, जी। Then people watched cricket for Sourav Ganguly, people watched cricket for Rahul Dravid, so and then now people are watching cricket for Virat Kohli. So there are people who watch cricket as a sport, and there are people who watch cricket for particular person. जैसे कि हम you know, अगर टेनिस में जैसे फेडरर के लिए टूर्नामेंट्स देखते हैं, वैसे धोनी के लिए क्रिकेट देखता हूँ मैं, और आई लाइक द वे दैट ही यू नो हैंडल्ड हिमसेल्फ व्हेन ही वाज द कैप्टन, ही लाइक द वे ही हैंडल्ड हिमसेल्फ आफ्टर ही resigned from his captaincy, and then the way he kept the whole team together, the way he was able to anticipate what the opponents were doing, his steps, his confidence, yeah. तो कभी मुलाकात हुई है MS धोनी से? इतने बड़े फैन हैं आप तो उनके। I always wanted to meet, but कभी नहीं मिल पाया MS से आप? नहीं, आप थोड़ा सा कुछ मिला सकते हो? बिल्कुल किदांबी, हमसे बात करने के लिए, टाइम्स नाउ भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सिल्वर जीते हैं, आपने इतिहास रचा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो अल्टीमेट गोल है पेरिस, आप जब पेरिस में जाएं, तिरंगा लहराएं, और वो जो मेडल हो उसका रंग गोल्ड हो। हमसे बात करने के लिए किदांबी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेलकम किदांबी, थैंक यू। Thanks. Thank you.